ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एआरएस के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है, जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूँ जेई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसमें हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक्स लगा सकते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। कई बार एग्जाम में सीधे तरीके से जब आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं तो आपको ऑल्टरनेटिव मेथड से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना रहता है, ठीक है, ताकि आपके नंबर बढ़ सके। वही सारी चीज़ें हम लोग जो है इस पूरे के पूरे सीरीज में देखते हैं, ठीक है ना। तो जल्द से जल्द वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके एआर स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका जेई मेन में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है, अगर आपको अपना स्कोर कम टाइम में इंक्रीज करना है 160, 170, 180, 190 इस रेंज में लेकर के जाना है, और आप अगर सीरियस हो ये चीज़ करने के लिए, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स फॉर जेई मेन 2023 में एनरोल कर लो जल्दी से जल्दी। इससे क्या होगा, इस कोर्स के थ्रू आपको पूरा चीज़ समझाया जाएगा कि आप किस तरीके से साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स को यूज़ करके कम टाइम में अपने सिलेबस को कवर कर सकते हो, क्या लॉजिक बेस्ड कैलकुलेशन हमारे पास में होते हैं जिससे कि अपना नंबर बढ़ा सकते हो, क्या हमारे पास में ट्रिक्स होते हैं, ट्रिक्स के एप्लीकेशंस पूरे लेटेस्ट पेपर्स में आपको दिखाए जाते हैं, ठीक है, लास्ट एक दो साल के जितने भी पेपर्स हुए हैं उन सब में आपको दिखाया जाएगा किस तरीके से आपको ट्रिक्स का एप्लीकेशन करना है, किस तरीके से आप स्कोर को बूस्टअप कर सकते हो, ट्रिक्स के सारे थ्योरी, ट्रिक्स के सारे एप्लीकेशन, पूरा माइंडसेट डेवलपमेंट आपका इस कोर्स के थ्रू होता है, ठीक है ना। तो अगर आप ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के एकदम नेक्स्ट लेवल को एक्सपीरियंस करना चाहते हो और अपने स्कोर को इंप्रूव करना चाहते हो तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ज्यादा रिकमेंडेड है। ऑलरेडी 250 से ज्यादा स्टूडेंट्स इस कोर्स में एनरोल कर चुके हैं एंड तेजी से इसके अंदर में एनरोलमेंट बढ़ रही है। आप लोग जल्दी से इसके अंदर में एनरोल करके अपना फायदा उठा सकते हो। एनरोल करने का प्रोसेस बता देता हूं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया रहेगा, उस पर क्लिक करो, सारी डिटेल्स पढ़ो, फिर अपने डिटेल्स को फिल करके पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो एंड फिर रिलैक्स करो, आपको डिजिटली सारी चीजें सेंड कर दी जाएंगी। कोई अगर आपके मन में क्वेरीज रहता है तो आपको व्हाट्सएप लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप हमारी टीम को व्हाट्सएप कर सकते हो एंड जो भी आपके क्वेरीज है उसको पूछने के बाद में आप कोर्स में एनरोल कर सकते हो। बट जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, मेक श्योर करना कि आप इस कोर्स में एनरोल कर लो। तो देखो, और यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है जेई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फिजिक्स के सेक्शन से मैंने यहाँ पर आपके सामने दो क्वेश्चंस उठाए हैं, यहाँ आप पहला क्वेश्चन देख सकते हो और यहाँ आप पीछे दूसरा क्वेश्चन देख सकते हो। दोनों क्वेश्चन को हम लोग यार जुगाड़ तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है, जाली जुगाड़ मेथड जिसको हम कहते हैं। क्या होता है ना, एग्जाम में कई बार आपसे सीधे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते नहीं है, फिर आप क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते हो, फिर आपके नंबर कम आते हैं और फिर आप कहते हो कि यार सिलेक्शन नहीं हुआ, आप क्या करें। तो इसीलिए यार ये जुगाड़ टेक्निक्स जो होते हैं आपको कई बार हेल्पफुल होते हैं अपने नंबर बढ़ाने के लिए, ठीक है। आप बहुत सारे क्वेश्चंस में इस तरीके से जुगाड़ टेक्निक्स को एग्जाम में यूज कर सकते हो। आपको ये सारी चीज़ें सीखने पड़ेंगी, सीखने के लिए यार प्लेलिस्ट बना रखी है, एपिसोड बैक टू बैक मैं डाल रहा हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको ये सारे जुगाड़ टेक्निक्स अच्छे लग रहे हैं, आपका इससे बेनिफिट हो रहा है, तो आपको मैं जरूर रिकमेंड करूंगा एक्सक्लूसिव पेड कोर्स ज्वाइन करने के लिए, जिसके बारे में वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपके स्कोर इंप्रूव करने के लिए। अब यहाँ पर बात करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें बोल रहा है टाइम T1 एक्सेलरेशन A1, टाइम T2 एक्सेलरेशन T2 और कम टू रेस्ट, ठीक है, और हमको बोल रहा है T1 T2 का रेशियो निकालना है। तो ये क्वेश्चन एक जनरल क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप बहुत ही इजीली हमारे अजम्पशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो। अजम्पशन मेथड क्या कहता है भाई, अजम्पशन मेथड क्या कहता है कि भाई आप कोई भी वैल्यू लेट कर लो, ऐसा वैल्यू लेट करो कि आपका काम आसान हो जाए। जैसे आप क्या करो, T1 को ले लो 1 सेकेंड ले लो, ठीक है, या चलो T1 को आप 5 सेकेंड ले लो, ठीक है, और एक्सेलरेशन को ले लो आप लेट से 2 मीटर्स पर सेकेंड। क्या आपको बात क्लियर है? अच्छा, तो 5 सेकेंड में क्या होगा, v = 80 है ना, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो 10 मीटर्स पर सेकेंड उसकी स्पीड आ जाएगी 5 सेकेंड बाद। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ये पहला हिस्सा हुआ मूवमेंट का, 5 सेकेंड चला, 2 के एक्सेलरेशन से 10 हो गया उसका स्पीड। अब उसको 10 से वापस 0 पे लाना है, कितने देर में लाना चाहते हो? लेट से आप कहते हो कि सर हम इसको ना हम 4 सेकंड में लाना चाहते हैं रेस्ट पे, कोई भी रैंडम टाइम आप अपने मन से सोच लो। तो अगर 4 सेकंड में उसको 10 से 0 पे लाना है वापस, तो एक्सेलरेशन जो कि रिटार्डेशन होगी इस बार, ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, वो कितनी होगी, ठीक है ना, मैं माइनस आपको बता देता हूँ, नेगेटिव मतलब, ठीक है, रिटार्डेशन है ये, वो कितनी होगी? आप कहोगे 4 सेकंड में 10 तो मतलब 2.5 की होनी चाहिए, है ना, ठीक है, माइनस अगर मैग्नीट्यूड देखें तो 2.5, क्लियर है। तो 5 सेकंड में 2-2 के एक्सेलरेशन से वो 10 पे पहुंचता है और 4 सेकंड में 2.5-2.5 के डिसेलरेशन से वो 0 पे वापस आ जाता है। तो हमारे इस पर्टिकुलर केस में हमारा T1 आ गया 5, A1 आ गया 2, A2 आ गया 2.5 और T2 आ गया 4, क्लियर है। अब इस पर्टिकुलर केस में आप T1/T2 निकाल लो, T1/T2 कितना होगा, T1/T2 हमारे इस पर्टिकुलर केस में होगा 5/4, यस और नो, 5/4 होगा,
तो इसको हम बोल सकते हैं 1.25 भी बोल सकते हैं। कुछ मत करो, A1 A2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, आप ऑप्शंस में पुट कर दो, इसी A1 A2 को पुट कर दो। तो A1 प्लस A2 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 4.5 बाई A2 2.5, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 4.5 अपॉन A1 मतलब कि 2, ठीक है। फिर A2 बाई A1 कितना हो जाएगा, A2 बाई A1 हो जाएगा 2.5 बाई 2, और A1 बाई A2 कितना हो जाएगा 2 अपॉन 2.5। अब इसमें चेक कर लो कौन सा 5/4 के बराबर आ रहा है ना, तो आप देखो कि ऑप्शन सी आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका देखो 5/4 के बराबर 25/20, बाकी कोई भी नहीं आएगा। ये बहुत बड़ा हो रहा है, ये और भी ज़्यादा बड़ा हो रहा है, ये तो छोटा हो रहा है 1 से भी, ये वाला आपका आ जाएगा ऑप्शन सी 5/4 के बराबर। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक। अजम्पशन मेथड लगाया फिर ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया बिना एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। तो ये मेथड क्यों अप्लाई किया, क्योंकि कई बार ना ऐसे जनरल क्वेश्चंस बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते हैं, बट वो इस तरीके से जब वैल्यूज ले लेते हैं ना और ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं बहुत कंफर्टेबली आंसर आता है, और 100% गारंटी भी होती है इस क्वेश्चन में। अब आपको घर आके आंसर की देखने की जरूरत नहीं, आप 100% एग्जाम हॉल में बोल सकते हो कि ये आपका सही है। अगर आप इसको सॉल्व किए होते तो 100% गारंटी से आप नहीं बोल पाते, शायद कहीं मिस्टेक हो, बट यहां तो आपने वैल्यूज लेकर के क्रॉस वेरीफाई कर लिया ना साथ साथ ही, तो यार आपका 100% गारंटी हो गया कि ये क्वेश्चन भी आपका सही होगा, ठीक है, जुगाड़ मेथड से। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, यहाँ क्या कह रहा है हमको, कह रहा है स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग व्हेन इट क्रॉसेस अ पॉइंट 5 मीटर बिलो द टॉप, ठीक है। क्या कह रहा है भाई, एक बिल्डिंग है, ठीक है, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट जो भी एच वगैरह होगी, तो पहले तो क्या है ए ले लेते, एक स्टोन है उसको ए ले लेते, ए स्टोन जो है वो 5 मीटर नीचे आ गया, ठीक है। जब वो 5 मीटर नीचे आया एक और स्टोन को फेंका गया जो 25 मीटर नीचे है ऑलरेडी, मतलब 25 मीटर नीचे से एक और स्टोन बी को उस वक्त फेंका गया, ठीक है, ये 25 मीटर नीचे है। दोनों जो है वो साइमल्टेनियसली नीचे पहुंचते हैं, ये दोनों जो है ये साइमल्टेनियसली नीचे पहुंचते हैं, जब नीचे पहुंचते हैं ना दोनों एक टाइम पे पहुंचते हैं। हाइट बताना है बिल्डिंग का एच। अब ये क्वेश्चन आप जनरली वेरिएबल्स लेके एच वगैरह लेके आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन कई बार बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते, तो जुगाड़ तरीका क्या है, थोड़ा सा ऑल्टरनेटिव तरीका क्या है कि हमें गारंटी भी हो जाए कि आंसर सही है। देखो सबसे पहले तो ये समझो कि जब ये 25 मीटर नीचे था तो बिल्डिंग की हाइट 25 से तो ज़्यादा होगी, है ना, अदरवाइज तो ये जमीन पे ही है बी वाला स्टोन। टॉप से 25 मीटर बोला जा रहा है, जब ये 5 मीटर नीचे आता है तब ये ऊपर से 25 मीटर नीचे से स्टार्ट होता है फेंकना, समझ रहे हो आप बात, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, केस समझ लो पहले। तो बिल्डिंग की जो हाइट है वो 25 से तो ज़्यादा होगी, तो 25 वाला ऑप्शन को तो काट दो ना यार, 25 से तो ज़्यादा ही होगी ना हाइट, कॉमन सेंस। अच्छा 50 ना थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा लग रहा है, 50 बहुत बड़ा लग रहा है, तो 50 के होने के चांसेस भी थोड़े से कम है, ठीक है। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना तो बहुत बड़ा वैल्यू और बहुत छोटा वैल्यू एक्सट्रीम वाले एलिमिनेट कर दिया करो, एक्सट्रीम ऑप्शंस के होने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। इन दोनों में से तुक्का लगने के चांसेस बनते हैं, लेकिन अब इसको हम ना वेरीफाई कर लेंगे बहुत अच्छे से। देखो कैसे, पहले तो ये देखो ये 5 मीटर नीचे जो आया कितने टाइम में आया, तो सिंपल सा आप एस इक्वल्स टू हाफ A T स्क्वायर करोगे, यू तो जीरो है इनिशियली, रेस्ट से फेंका गया है, ड्रॉप किया गया है, तो ये आपका आ जाएगा हाफ इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू T स्क्वायर, एस की वैल्यू 5 रखो 5T स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा आपका टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड। तो ये 1 सेकेंड लगा इसको नीचे आने में, क्या आपको बात समझ में आ रही है, क्या आपको बात समझ में आ रही है। तो अज्यूम कर लो, एक अजम्पशन लगाओ कि भाई लेट कर लो, एक एक करके लेट कर लो, सपोज कर लो 35 मीटर बिल्डिंग की हाइट है, इमेजिन लेट, ठीक है, क्या करें, लेट h इज इक्वल्स टू 35 मीटर, क्लियर है। तो अगर h 35 मीटर है तो ये चेक करो कि भाई पूरा 35 मीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा स्टोन a को, ठीक है, ऊपर से नीचे तक, वही s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, तो 35 इक्वल टू हाफ a मतलब 5, हाफ इंटू 10 विल बी 5 इंटू टी स्क्वायर, सो t विल बी रूट 7, है ना, ये किसके लिए है, a वाले स्टोन के लिए है, क्लियर है। अच्छा B वाले स्टोन के लिए देख लो, B वाले स्टोन को कितना डिस्टेंस कवर करना है, सिर्फ 10 मीटर, क्योंकि 25 नीचे तो वो ऑलरेडी है और 35 में से 25 माइनस करोगे 10 बचेगा, सिर्फ 10 कवर करना है उसको, तो उसके लिए S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कैसा आएगा, 10 इक्वल टू हाफ ए मतलब 5 इंटू टी स्क्वायर, तो T की वैल्यू आ जाएगी उसके लिए रूट 2, क्लियर है ना। अब एक बात बताओ, ये दोनों साइमल्टेनियसली नीचे जा रहे हैं ऐसा बोला गया है, लेकिन जो A वाला स्टोन है वो ऑलरेडी 1 सेकेंड ट्रैवल कर चुका है, तो ए वाले के लिए जो टाइम रहेगा, टाइम ऑफ ए शुड बी इक्वल टू टाइम ऑफ बी प्लस 1, क्लियर है। जब ये 1 सेकंड ट्रैवल किया उसके बाद में इसको छोड़ा गया,
और दोनों साइमल्टेनियसली गिरे, बट ये जितना टाइम में नीचे गिरा ए उससे एक सेकंड ज्यादा टाइम में नीचे गिरा क्योंकि वो एक सेकंड ऑलरेडी ट्रैवल कर रहा था, क्लियर है। तो टाइम ऑफ ए शुड बी इक्वल टू टाइम ऑफ बी प्लस वन, तो क्या हम रूट टू प्लस वन करेंगे तो क्या हमें रूट सेवन मिलेगा, ये चेक कर लो आप बेसिकली। क्या आपको बात समझ में आ रही है, क्या आपको यहाँ पर बात समझ में आ रही है? तो रूट टू बेसिकली 1.4 होता है, प्लस वन करोगे तो ये 2.4 के आसपास आएगा। तो क्या रूट सेवन 2.4 के आसपास है, क्या ये है? अगर नहीं है तो आंसर नहीं होगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है, क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो आप क्या कर सकते हो इसमें यार, मतलब 2.4 को आप स्क्वायर करके देख लो, ठीक है, या अगर आप 25 का भी स्क्वायर करते हो तो आपको कितना आता है, 6 पॉइंट समथिंग आता है, वो 7 से काफ़ी कम है, तो ये आंसर नहीं होगा, 35 नहीं होगा आंसर, क्लियर है। इसी तरीके से 45 लेके देख लो, सेम चीज़ 45 लेके देख लो, क्या करोगे, लेट एच इक्वल टू 45 कहाँ पे करूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ, लेट एच इक्वल टू 45, लेट एच इक्वल टू 45 मीटर, तो ये चेक करो कि ए को नीचे तक आने में कितना टाइम लगेगा। 45 इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब कि हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, मतलब कि 5 टी स्क्वायर, तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो ए को कितना टाइम लगा, 3 सेकंड लगा पूरा नीचे आने में, क्लियर है, ऊपर से पूरा नीचे तक आने में। बी के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, अगर 45 टोटल हाइट है और 25 नीचे है वो, तो सिर्फ 20 ट्रैवल करना है, तो 20 ट्रैवल करना है तो 20 इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर करो, तो ये कितना आ जाएगा, टी की वैल्यू रूट 4 2 आ जाएगा, 2 सेकंड। तो 3 सेकंड और 2 सेकंड में 1 सेकंड का फर्क है, मतलब कि ए का जो टाइम ट्रैवल है वो 3 सेकंड है और बी का है 2 सेकंड, ठीक है। तो इसका मतलब वो दोनों साइमल्टेनियसली गिरेंगे, क्यों, क्योंकि ए जो है वो ऑलरेडी 1 सेकंड ट्रैवल कर गया था पहले ही, तो 2 प्लस 1 विल बी 3, ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है किसके केस में, सी के केस में, सो द करेक्ट आंसर विल बी सी। इससे आप 100% कह सकते हो, 100% गारंटी आप एग्जाम में बैठे बैठे कह दोगे कि ये क्वेश्चन तो आपका सही है, और ये हमने जुगाड़ से कर लिया, जनरल वे में नहीं किया, ये हमने जनरल वे में नहीं किया, जुगाड़ से कर लिया, एक्यूरेट आंसर आया है, कुछ नहीं किया यार हमने, हमने लेट कर लिया, अजम्पशन मेथड ही तो है, लेट कर लो कि 45 होगा, अगर 45 होगा तो टोटल टाइम निकाल लो ए के लिए, वो 5 मीटर भूल जाओ क्योंकि हमने उसको 1 सेकंड में कन्वर्ट कर ही लिया ऑलरेडी, तो टोटल टाइम 3 आया, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 सेकंड बचेगा, क्या ये 2 सेकंड में बी कवर करेगा ये डिस्टेंस जितना उसको करना है, इसको कितना करना है, टोटल 45 में से 25 हटा दो तो 20 करना है, 20 कर लेगा 2 सेकंड में, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर का इक्वेशन बताता है, और ये हाफ एटी को ना डायरेक्टली आप 5 लिख दिया करो, हाफ इंटू 10 है इसको डायरेक्टली 5 लिखाओ मैं हर जगह, कैलकुलेशन फास्ट होता है, ठीक है, मेरे साथ पढ़ते रहोगे सीखते रहोगे तो ये सारी चीज़ें आप करना सीख जाओगे, ठीक है ना, बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ये ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।